addition, subtraction, multiplication, and division. We generally operate these four basic operations. ये हम हमेशा से करते आ रहे हैं बेसिक ऑपरेशंस मैथमेटिक्स के, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. इनके बारे में कुछ विशेष बातें जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप इसे सीख जाएं. सो जनरली हम एडिशन जब करते हैं, हाउ वी डू दिस, 9, 3, 12 कैन वन 6, 2, 8, 9 तो इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं एजेंट्स और इनको क्या बोलते हैं? सम बोलते हैं. समझ सकते हो? इन एडिशन द नंबर्स दैट वी ऐड आर कॉल्ड एजेंट्स. एडिशन में जितने भी नंबर को हम ऐड करते हैं उनको एजेंट्स बोलते हैं, एजेंट्स बोलते हैं. और जो रिजल्ट आता है एंड द रिजल्ट इज कॉल्ड द सम. जो रिजल्ट आता है उसे क्या बोलते हैं? सम. आपको याद रखने की जरूरत होगी जब कभी आप एडिशन करते हो तो जो जिस नंबर को आप ऐड करते हो चाहे 2, 3, 4, 5 जितने भी नंबर्स हो सबको क्या बोलते हैं? एडेंट्स बोलते हैं. और जो हमारा रिजल्ट आता है उसे क्या बोलते हैं? सम बोलते हैं. इसे आपको याद रखना होगा. अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन. तो जनरली हम एक नंबर को दूसरे नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं. एडिशन हम दो या दो से अधिक नंबर के बीच भी कर सकते हैं. मल्टीप्लीकेशन भी ऑलमोस्ट किया जा सकता है लेकिन डिवीजन और सब्ट्रैक्शन की बात करें तो इट टेक्स प्लेस बिटवीन टू नंबर्स. दो नंबर के बीच में इस ऑपरेशन को हम करते हैं. तो हम एक नंबर लेते हैं 8 से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, रिजल्ट आया 5. तो इसमें देखते हैं कि मिनुएंड कौन है, सब्ट्राहेंड कौन है और डिफरेंस क्या है. सो स्टूडेंट्स, इन सब्ट्रैक्शन वी सब्ट्रैक्ट नंबर कॉल्ड द सब्ट्रा. हम किस नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं? जिस नंबर को घटाते हैं उसे सब्ट्राहेंड बोलते हैं. फ्रॉम अनदर नंबर और जिस नंबर से जिस नंबर को घटाते हैं उसको सब्ट्राहेंड बोलते हैं और जिस नंबर से घटाते हैं उसको बीइंग बोलते हैं. और जो हमारा रिजल्ट आता है वो डिफरेंस होता है. डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है. ओके स्टूडेंट, फिर से आप इसे समझो. द फर्स्ट नंबर इन अ सब्ट्रैक्शन, इस प्रोसेस को सब्ट्रैक्शन बोलते हैं. द फर्स्ट नंबर इन अ सब्ट्रैक्शन जिसे हम क्या बोलते हैं? मिनिमम बोलते हैं. द नंबर फ्रॉम विच अनदर यानी ये नंबर जिसे घटाया जाता है ठीक है ना, इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, जो रिजल्ट हमारा आता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं डिफरेंस. आपको याद रखना होगा. सो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन. तो वन नंबर जिस नंबर को जिससे हम मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, मल्टीप्लिकेंट क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेंट. वन नंबर कॉल्ड द मल्टीप्लिकेंट यानी जो नंबर जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेंट. ओके, इज मल्टीप्लाइड बाय, जिससे मल्टीप्लाई किया जाए उसको मल्टीप्लायर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मल्टीप्लायर. द रिजल्ट इज प्रोडक्ट. प्रोडक्ट. सो स्टूडेंट्स, इसे समझने की कोशिश कीजिए. वन नंबर जिसे हम मल्टीप्लिकेंट बोलते हैं इज मल्टीप्लाइड बाय अनदर नंबर जिसे मल्टीप्लायर बोलते हैं और जो हमारा रिजल्ट आता है उसे प्रोडक्ट. जब कभी दो नंबर को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं तो पहला नंबर जो होता है वो हमारा मल्टीप्लिकेंट होता है और जिस नंबर से उसे मल्टीप्लाई करते हैं वो मल्टीप्लायर कहलाता है और जो रिजल्ट आता है वो प्रोडक्ट कहलाता है. ओके, इसे हम रिवर्स भी कर सकते हैं. डिपेंड करता है किस नंबर को किससे से मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्ट हमेशा प्रोडक्ट ही होता है. और इसका ये दोनों क्या होता है? फैक्टर्स होता है. फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हो तो इस 24 का 12 एंड 2 क्या है? फैक्टर्स. 24 के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे. अब डिवीजन की बात करते हैं. कह रहा है व्हेन वी डिवाइड अ नंबर यानी किसी नंबर को डिवाइड करना है,
सपोज दैट मुझे डिवाइड करना है 48, ठीक है, 48 को डिवाइड करना है, क्या बोलेंगे इसे हम डिविडेंड बोलेंगे, बाय अनदर नंबर, यानी हमें डिवाइड करना है किससे, हमें डिवाइड करना है 2 से, तो इसे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिवाइजर, क्या बोलेंगे, और जो हमारा रिजल्ट आएगा उसे क्या बोलेंगे, बोलिए, उसे बोलेंगे जो हमारा रिजल्ट आएगा यहां पर उसे क्वेश्चन बोलेंगे, ओके, सो लेट्स डू दिस ऑपरेशन, 2 2 2 2 4, फिर 8 पर आपका भी किया, 2 4 8, तो ये जो हमारा हुआ इसे क्या बोलते हैं, इसे क्वेश्चन बोलते हैं, क्वेश्चन, इसे क्या बोलते हैं, डिविडेंड, और इसे क्या बोलते हैं, डिवाइजर, यानी व्हेन व्हेन वी डिवाइड अ नंबर, यानी जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसे डिविडेंड बोलते हैं, और जिस नंबर से उसको डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर बोलते हैं, और जो हमारा रिजल्ट आता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं क्वेश्चन बोलते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, कभी कभी क्या होता है, यहां पर लिखा हुआ आप देख सकते हो, समटाइम्स अ डिवाइजर कैन नॉट डिवाइड अ डिविडेंड कंप्लीट, और एक नंबर छूट जाता है डिविडेंड में, उस रिमाइंडर में, कैसे, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 48 को हमने 5 से डिवाइड करना है, तो 5 को 1 से डिवाइड करेंगे, 4 को 5 के टेबल में 4 आता है, नहीं ना, तो यानी इसको दोनों को डिवाइड करेंगे, टोटली 48 को डिवाइड करेंगे तो 5 9 सा 45, ठीक है, 3 रिमाइंडर आ गया, क्या आ गया, तो कह रहा है समटाइम्स अ डिविजन, यानी 5 जो है कैन नॉट डिवाइड 48 कंप्लीटली, ओके, तो 48 में 3 बच गया, जिसे हम क्या बोलेंगे, जिसे हम यहां पे बोलेंगे डिविडेंड, ओके स्टूडेंट्स, तो आज ये शॉर्ट वीडियो में हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में, ओके स्टूडेंट्स, सो सी यू नेक्स्ट वीडियो।